छत्तीसगढ़ पुलिस ने 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर इंश्योरेंस का लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसा ठगने का आरोप है। शिकायत के बाद सोहेला पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कई एटीएम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। थाना सोहेला क्षेत्र निवासी प्रार्थी ओम प्रकाश को अज्ञात आरोपियों के द्वारा खुद को इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बताकर HDFC बैंक में पूर्व से चल रहे इंश्योरेंस पॉलिसी के मेडिक्लेम एवं बोनस 9 लाख रुपया दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी से प्रार्थी का आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाकर GST रजिस्ट्रेशन शुल्क, ऑनलाइन पेमेंट के बहाने कुल 9 बार में RTGS के माध्यम से अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के खाते में कुल 5,31,998 रुपये को जमा करवा कर प्रार्थी के बिना सहमति एवं जानकारी के 9 अलग अलग बीमा कंपनियों के पॉलिसी ब्रांड प्रार्थी को भेज दिया गया। बाद में आरोपियों द्वारा अलग अलग नाम एवं मोबाइल नंबर से प्रार्थी को फोन कर पूर्व से लेकर अब तक सभी पॉलिसियों को कैंसिल कराकर रिफंड दिलाने का भरोसा एवं झांसा दिलाकर प्रार्थी से RTGS के माध्यम से अलग अलग तिथियों में विभिन्न बैंकों के खातों में 26,24,800 रुपया जमा करवा कर आर्थिक क्षति पहुंचाते हुए 32 लाख रुपए की ठगी किया। जब प्रार्थी को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने सोहेला थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर से सोहेला पुलिस व स्पेशल टीम के द्वारा आरोपियों के फोन लोकेशन के आधार पर नोएडा जाकर लगातार 12 दिनों तक नोएडा में कैंप कर आरोपियों का दिल्ली, गाजियाबाद एवं नोएडा में लगातार पतासाजी कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर HDFC बैंक के जिस खाता में रकम जमा कराया गया था उस खाता का धारक आरोपी आसिफ खान को बैंक खाते से मिले पते पर पता तलाश किया गया, लेकिन आरोपी 2 साल पहले ही उक्त पते को छोड़ चुका था। लेकिन आरोपी आसिफ खान को बरोला सेक्टर 49 नोएडा से गिरफ्तार कर आरोपी के पास से अपराध संबंधित पासबुक एवं ATM कार्ड को जब्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि अपराध करने वाले आरोपी विस्तृत अंतर्राज्य नेटवर्क है, जिनमें एक टीम काम कर रही है और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं। फिलहाल इस ठगी में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अंतर्राज्य गिरोह को पकड़ने में पुलिस द्वारा हासिल की है। मामला थाना सोहेला में प्रार्थी ओम प्रकाश के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसको इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बताकर बीमा क्लेम, मेडिक्लेम दिला करके उसको लाभ दिलाया जाएगा करके, तो उसके झांसे में वो फंस गया। और उसके झांसे में आने के बाद में अलग अलग तिथियों पर करीब 9 बार RTGS के माध्यम से टोटल कुल रकम 32 लाख के आसपास वो लोग ठगी कर लिए थे। इसकी रिपोर्ट पर थाना सोहेले में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर बेचना की गई। बेचने के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सुराग हाथ में लगे और टीम को यहाँ से भेजा गया पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती नीतू कमल के मार्गदर्शन में, और टीम वहाँ करीब 12 दिन तक रह करके और आरोपी की पता साझी थी जो उसके बैंक। बिलाईगढ़ से सदैव से सिदार की रिपोर्ट ACN 24।